हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनन्या किचन। तो आज मैं फिर लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी लेकर के। आज हम बनाएंगे कातला माछ का सोर से फूल गोभी दिए करी। तो इसे आप करी भी बोल सकते हो या सोर्से दिए कातला भी बोल सकते हो। आप इसे क्या बोलते हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। तो ये केवल सरसों देख के मैं नहीं बनाऊँगी, इसमें फूल गोभी भी मैं ऐड करूँगी। तो चलिए देखते हैं और इस रेसिपी को कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिया है और मैंने यहाँ पे यूज़ किया एक बड़ा चम्मच सरसों तेल। सरसों तेल को चारों तरफ कढ़ाई के ऐसे घुमा के लगा देंगे। ऐसे लगाने से क्या होता है, जब आप मसाले वगैरह भूजते हो तो कढ़ाई में जलता नहीं है और अच्छी तरीके से भूजा जाता है। उसी के साथ मैं यूज़ करूँगी चुटकी भर काला जीरा, जिसे मंगरेल भी कहते हैं, और बीच से कटा हुआ दो हरी मिर्च। तब तक हम अपने कुछ खड़े मसालों को ग्राइंड कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है दो बड़ा चम्मच सरसों, ये काला वाला सरसों है जिसे राई भी कहते हैं, चार से पांच हरी मिर्च, 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, एक छोटा चम्मच हल्दी, एक छोटा चम्मच नमक। हल्दी और नमक अगर आप सरसों के साथ पीसते हो तो सरसों तीखा नहीं लगता है, क्योंकि बहुत बार होता है सरसों पीसते पीसते थोड़ा तीता हो जाता है, या फिर सरसों आप जब पीस रहे हो या जब कुछ बना रहे हो सरसों देके तो वो तीता हो जाता है। तो आप इस तरीके से पीसेंगे तो सरसों तीता नहीं होगा आपका। तो उन सारे मसालों का मैंने फाइन पेस्ट बना लिया था, अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी। जो मिक्सर मशीन में मसाला लगा हुआ था उसे मैं थोड़ा सा पानी दे करके धो करके इस मसाले में ऐड कर दे रही हूँ। उसी के साथ ऐड करूँगी थोड़ा सा नमक और एक छोटा चम्मच चीनी। इन सारे चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। उसी के साथ मैं 250 ग्राम अपना फूलगोभी, जिसे मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर ली थी, और नमक हल्दी देके मैंने इसे फ्राई किया है, तो इसे मैं ऐड कर दूँगी। आप चाहे तो फूलगोभी के जगह आलू भी दे सकते हैं या फिर फूलगोभी ना भी दे करके कुछ और भी दे सकते हैं। उसके बाद इन सारे चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी और ऐसे ही हाई फ्लेम पे इसे करीब, ढकना नहीं है, इसे खुले में ही करीब इसे 2 मिनट तक भूजेंगे। मैंने इसे ढकना खोल के ही करीब 2 मिनट तक भूजा है और हमारा मसाला एकदम अच्छी तरीके से भुजा गया है। इसे मैं बीच से कटा हुआ 5 हरी मिर्च मैं उसमें ऐड कर दे रही हूँ। आप तीखा अपने स्वाद के अनुसार रख सकते हैं। और उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। उसी के साथ ऐड करूँगी 3 बड़े साइज के कतला फ़िश। ये मैंने गोटा लिया हुआ है, करीब आपका हाथ का ही साइज का होगा। तो आप अगर पीस कटवा कर अगर बड़े साइज का ले रहे हो तो चाहते हो कि उसे पीस कटवा ले तो आप पीस भी कटवा सकते हो। मैंने तीनों मछली को ऐड कर दूँगी और इसे अच्छी तरीके से मसाले के साथ मिक्स कर लूँगी। इसी के साथ मैंने थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ ऐड किया है और इसे हल्के हाथों से मिक्स कर दूँगी। हल्के हाथों से आप इसलिए मिक्स करिएगा क्योंकि हम लोगों का मछली पूरा डीप फ्राई किया हुआ है, तो आप ज़्यादा ज़ोर से करेंगे तो मछली टूट जाएगा, तो आप हल्के हाथों से इसे चलाएं। और उसी के साथ मैंने इसे 2 मिनट तक अच्छी तरीके से भूजा है। हमारा 2 मिनट भूजना कंप्लीट हो गया है। अब मैं ऐड करूँगी 1/2 कप गर्म पानी और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी और 5 मिनट हाई फ्लेम पे कुक करूँगी और बीच बीच में इसे हल्के हल्के हाथों से चलाऊँगी। तो देखिए 5 मिनट हो गया है और हमारा अच्छी तरीके से कुक हो गया है। हम ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया दे देंगे और इसे ढक देंगे और 2 मिनट बाद इसे सर्व करेंगे। तो ये रहा हमारा फूलगोभी दे करके सोरसे कातला। आप इसे एक बार ज़रूर घर पे बना के ट्राई करिए, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और मुझे कमेंट करके बताना ना भूले कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।